जब पहली बार देखा ना तो हमें स्टोरी का कुछ नहीं पता था, लेकिन अब हम ना रिलेट कर पाए कि एक्चुअली स्टोरी क्या होने वाली है। और वो सब कुछ मतलब कि वो क्रेडिट आपको जाता है जो आपने हमारी वीडियो को इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया, हमें समझाया, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो गाइस आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसकी ओरिजिनल ऑडियो पर हम पहले ही रिएक्ट कर चुके हैं, लेकिन भाई जब हमें इस मूवी की स्टोरी के बारे में पता चला कि हाँ आखिर इस मूवी की स्टोरी क्या है, और वो हमें स्पेशली पता चली है जो लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया है, जिन्होंने कमेंट्स में हमें इतना सब कुछ बताया है ना उनकी वजह से, तो हमें तब जाकर पता चला कि एक्चुअली इस मूवी की स्टोरी क्या है। तो हम अब हिंदी में इस मूवी की स्टोरी पर रिएक्ट करेंगे और मूवी का नाम है मस्तानी। और इससे पहले देखो जो हमने जब रिएक्ट किया था ना तो हमने ऐसे ही यूजुअली रैंडम देखा था कि हाँ यार मस्तानी मूवी कोई आई है तो उसे देख लेते हैं, पंजाबी है, लैंग्वेजेस में आई है, तो ऑब्वियसली बात है हमने इसलिए इसमें उस पे रिएक्ट किया था। सबसे पहले हमें इस वीडियो जब हमने देखी थी हम विजुअल्स पर बड़े ज्यादा अट्रैक्ट, विजुअल्स जो विजुअल्स है ना इस मूवी के वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया, भाई यार पंजाबी इंडस्ट्री ने इतना तगड़े विजुअल्स बनाए ना जबरदस्त। और उसके बाद हमें एक्चुअली पता चला कि ये एक रियल स्टोरी है, मतलब 1739 की स्टोरी है, जिसमें क्या है कि नादिर शाह ने दिल्ली में अटैक वगैरह किया था और बड़ी सारी हमारी माताओं बहनों को ले गए थे, मतलब। और उसके बाद फिर जो हमारे सिख भाई है उन्होंने क्या किया था कि हर रात को पता नहीं 12 बजे, मेरे को स्टोरी इतनी कंफर्म नहीं है लेकिन जो हमें पता चली हल्की फुल्की वही बता रहा हूँ कि हर रात 12 बजे उनकी फौज पे अटैक करते थे और बहुत सारी औरतों को वहां से उठा मतलब वापस ले आते थे, रेस्क्यू करते थे, मतलब ये यार मतलब कितना स्टोरी सुन के बात है यार, एक मतलब कि एक हमारी हिस्ट्री की बात है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी, स्पेशली हमें तो नहीं पता, और हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग होंगे यार जिनको नहीं पता होगा, इसलिए यार ये मैं तो चाहता हूँ कि ये जो मूवी है ना ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, बहुत सारे लोगों को पंजाबी तो आती नहीं है तो इसलिए हम स्पेशली हिंदी में कर रहे हैं क्योंकि हिंदी सबको ही आती है, तो हम हिंदी में करना चाहते हैं इसको रिएक्ट। तो बिना टाइम और अगर आप चाहते और अगर आप चाहते हो कि और लैंग्वेजेस में भी करें लो ये जो मूवी है ना यार देखो, और हमें कमेंट में भी एक भाई ने बताया कि 12 बजने तभी बोलते कि सिख के 12 बज गए समथिंग कुछ ऐसा था, तो भाई ये जो मूवी है ना ये हर जगह तक पहुंचनी चाहिए, तो अगर आप चाहोगे तो हम दूसरी लैंग्वेजेस में भी रिएक्ट करेंगे ताकि उस वाली जो मतलब तमिल तेलुगु है उन जिस नगर को आज गजनी का बाजार दिखाई दे रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, स्क्रीन पे और करते हैं रिएक्ट जो कटे हिंदुस्तानी मूवी हिंदुस्तान की बेटियों के साथ भरे हुए हैं, इन सालिमों की लाशों से भर दो। कहते अपने आप को गुरु के सिख हैं, ना इनका कोई कबीला ना कोई इनकी बस्ती, मरने से नहीं डरते, तख्त हुस्न और पैसे को नादिर के हाथों से छीन कर ले जाए, ये हाथ अब तलवारों पर चले और तलवारें तुम्हारी गर्दनों पे। कौन है इनमें से जो उन कुत्ते बागियों के बारे में जानता है? सारे ही जानते हैं हुजूर। ये वही होगा नादिर शाह। 120 सिपाहियों की टुकड़ी से एक सिकड़ा नहीं पकड़ा गया। आप एक सिख की बात कर रहे हो? मैंने इतने इतने से बच्चे मगरमच्छों की तरह लड़ते देखे। ये मायने नहीं रखता कि वो कौन है, मुझे तो बस ये दिखता है कि ये नवाबों वजीरों का कोई जोर नहीं है उनपे। सच बताना कलंदर, नहीं देखे ना सिख कभी? अगर मेरे महल की एक ईंट भी हिली तो तेरी बस्ती पूरी खाक की ढेर कर दूंगा। नादर जंग देखना चाहता है ना? उसे जंग दिखाएंगे। जंग भी ऐसी दिखाएंगे सदियां याद रखेंगी। एक जो मांडियों
मस्तानी द स्पिरिट ऑफ मा डायरेक्टर वैशाल 25 अगस्त को। ओ भाई यार देखो जब पहली बार देखा ना तो हमें स्टोरी का कुछ नहीं पता था, लेकिन अब हम ना रिलेट कर पाए कि एक्चुअली स्टोरी क्या होने वाली है। और वो सब कुछ मतलब कि वो क्रेडिट आपको जाता है जो आपने हमारी वीडियो को इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया, हमें समझाया यार, इसके लिए थैंक यू सो मच। और भाई ये भाई मूवी यार तो चाहता हूँ भाई ये मूवी ना यार मतलब कर सकती है यार, मैं चाहता हूँ कि ये लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि उन्हें पता चले कि हमारी देखो जोधा अकबर की जो मूवी है ना वो यार बच्चे को पता है जोधा अकबर, लेकिन जो हमारे जिन्होंने हमारे एक्चुअली हमारे हीरोज है ना, जो एक्चुअली हमारे हीरोज है ना उनकी स्टोरी किसी को पता ही नहीं होता यार, तो हमें भी नहीं पता था, सबको ही पता होनी चाहिए। तो हमारे तरफ से तो ये पूरा सपोर्ट है यार, हर एक इंसान को हर एक लैंग्वेज में पता चले कि नहीं यार ये स्टोरी है पूरे इंडिया की, एक्चुअली बात है मतलब ये जो भी मुगल्स की स्टोरी ना वो सबको पता है यार, मैक्सिमम लोगों को पता है कि मुगल्स थे ये वो, लेकिन जो हमारे असली हीरो है ना उनकी स्टोरीज बड़े रेयरली मैं तो बोलता हूँ कि पता ही नहीं है कि हाँ कैसे किसने क्या क्या किया है यार, पर वही ना जिसको दिखाओगे वही दिखेगा। और ये जो सिनेमा है ना वो एक वे है यार लोगों तक पहुंचाना कि एक्चुअली चीज क्या हुआ था क्या नहीं, मतलब एक्सपीरियंस करवाना उस टाइम को। तो यार आप इसको शेयर करें, मतलब हमें आप वीडियो को नहीं, अगर आप चाहें तो जो ट्रेलर है ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अपने हर एरिया में फैलाओ यार इसको। मैं तो चाहता हूँ कि ये हम अपनी वीडियो को लिए प्रमोट होने के लिए सच में नहीं बोल रहे, आप सिर्फ ट्रेलर को ही प्रमोट करो यार, आगे आप ट्रेलर को ही भेजो कि नहीं यार देखो क्या है हमारी हिस्ट्री क्या है एक्चुअली। 25 को तो मैं बोल रही हूँ कि जो पहला शो लगेगा ना उस भाई पूरा हाउसफुल हो जाएंगे और हम आपको व्लॉग के थ्रू उस चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, तो आप देख लेना। और भाई यार अपना ओपिनियन भी जरूर शेयर करें अपने कमेंट बॉक्स में कि हमें दूसरी लैंग्वेजेस पे भी रिएक्ट करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो बस आज की वीडियो इधर ही खत्म करते हैं, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। चलिए मुलाकात होगी आपसे हमारी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।